चकदे टीवी देख रहे सारे दर्शकों दविंदर धूर वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। पट्टियां खबरों के इस सैगमेंट के विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत। अज मेरे नाल टोरंटो तो खास तौर पर सरदार वरियाम सिंह संधु जी जुड़ रहे हैं, जो कि पंजाब तो ने इस वेले टोरंटो विजिट कर आए हुए हैं। जे मैं थोड़ा जहा दस देना चाहवा कि पिछले कांड होया सी, कांड के दादरी कांड के बाद साहित्य अकादमी के नाल जुड़े हुए काफ़ी लेखकों ने अपने अपने अवार्ड वापस करन दी एक रीच शुरू कर दी आ। उस कांड तो बाद साहित्य अकादमी के जड़ी ये रीत चली आ, उस दे नाल संधु साहब के नाल गल करांगे। पहला तो संधु साहब साढ़े नाल अज प्रोग्राम के शामिल होने का बहुत बहुत स्वागत जी। मेहरबानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा। हाँ जी संधु साहब, थोड़ा जे देखा जाए तो पंजाब के गुरबचन सिंह भुल्लर, अजमेर सिंह औलख, आत्मजीत सिंह ते तुहाडा नाम जुड़िया कि तुसी अपने अवार्ड वापस कर दिते ने, उसकी मुख्य वजह की आ? तूर साहब, यदि मुख्य वजह तो असल च यह है कि जिवें तुसी दादरी कांड का हुणे जिक्र कर रहे हो, वैसे जिहड़ी बुनियादी गल है वह तो यह है कि पिछले लगभग 30-40 साल का जिहड़ा लगातार निरंतर इतिहास है पंजाब का ते भारत का, उहदे विच जिहड़ी धार्मिक कट्टरता ते धार्मिक तंग दिली, फिरका प्रस्ती और धार्मिक हिंसा जिहड़ी है वह बहुत हद तक वधदी जा रही है और वध रही है, और अज एक खास शिखर के उत्ते पहुँच गई है, और जिहदे विच आम लोग तो उहदे तो दुखी है ही ने। मज़हब के नाँ उत्ते कतलोगारत हो रही है, पर पिछले समय के विच जिहड़े कुछ लेखक ते बुद्धिजीवी ते चिंतक सन उन्होंने भी कतल किया गया। जितों तक साहित्य अकैदमी के पुरस्कार वापस करने की गल है, वो मैं जो अपना बयान दिता तो मैं वेद जी साड़ी इस धार्मिक तंग दिली तो धार्मिक कट्टरता के नाते जी हिंसा हो रही है वो खिलाफ़ और लिखण तो बोलने की जी आज़ादी दे गला कुटिया जा रहा वो खिलाफ़ मैं प्रोटेस्ट वजों ये इनाम जिहड़ा वापस किया है। पर साडे जिहड़े कुछ लेखक सन उन्होंने शुरुआत इस प्रसंग विच कीती सी कि साडा एक कन्नड़ दा लेखक हैगा आ जिहड़ा साहित्य अकैडमी दी जनरल काउंसल दा मैंबर भी रहा और उन्होंने साहित्य अकैडमी दा इनाम भी मिलिया सी, ते इस तरह ही कुछ होर भी बुद्धिजीवी तर्कशील लोगों नूं कतल किया गया। तो साडे लेखकां दे मन दे विच सी कि साहित्य अकैडमी दा ही एक बुलारा होवे, उहदा एक मैंबर होवे, उहदा एक इनाम याफ्ता लेखक होवे, ते साहित्य अकैडमी जिहड़ी आ उहदे बारे बिल्कुल खामोश रहे, एक दुख दा शोक दा मता भी ना पावे। इस रोस वजों शुरुआत जिहड़ा होई आ उह इनामां नूं वापस मोड़नी सी, पर मैं सारी गल नूं जिहड़ा मैं क्योंकि जदों कुछ लेखकां ने इनाम मोड़े तो पहला मेरे मन में नयन तारा सहगल ने जदों नहरू की भाण जी ने इनाम मोड़िया तो मेरे मन के थोड़ी जी रिजर्वेशन भी सी इस गल के बारे में, थोड़े नाल कोई गल लुकाउणी नहीं चाहता। मेरे मन से कि 1985 उन्होंने साहित्य अकैडमी का इनाम मिलता है, तो जे धार्मिक कट्टरता धार्मिक हिंसा और लोगों उत्ते जबर ते जुल्म दे खिलाफ आवाज़ बुलंद करन दे लई साहित्य अकैडमी का इनाम वापस मोड़ना चाहिए है, तो वो दौर से जदों ब्लू स्टार ऑपरेशन होया, जदों हिंदुआं नूं बसां चों कढ के मारिया गया, जदों दिल्ली में सिखां दा कतलेआम होया, कि ये इनाम उस वेले नहीं सन मोड़े जा सकते। इस मुकाम ते आके ये इनाम मोड़ना मैनूं लगा कि जिवें किसी एक विशेष पार्टी नूं इहदा निशाना बनाया जा रहा होवे जिहड़ी राज कर रही है, पर राज मैं कहना यह चाह रहा कि कोई भी पार्टी जिहड़ी है फिरकू पक्ष तों दुद्ध धोती नहीं हैगी, ना पहलियां पार्टियां सी ना हुण वाली पार्टी, पर हुण वाली पार्टी ते तां इक सिखर बना दिती हुई है आ धार्मिक आतंक दी, जिथे भी जाओ कोई बोलन नहीं देना चाहता किसी नूं, और रोज़ ही नवें तो नवें कांड हो रहे। कल तुसीं सुधीर कुलकर्णी दा मूँह काला होया देखिया शिवसेना वालिया ने किया गुलाम अली नूं, इस करके कि मुसलमान आ साडे पाक नाल रिश्ते नहीं चंगे, इहनूं गाउण नहीं दिता जाएगा, मतलब इस तरह का जिहड़ा जबरदस्ती जिहड़ा बोलन दी ते लिखण दी आज़ादी नूं जिहड़ा ये हमला दरपेश आया साडे लोकां दे सामने, तो मैं प्रोटेस्ट वजों अपना विरोध जिहड़ा है उह साहित्य अकैडमी दा नाम जिहड़ा मैनूं 2000 विच मिलिया सीगा उह वापस करके अपना विरोध जिहड़ा दर्ज करवाया। मेरा सारा जीवन ही जिहड़ा है वह निरंतर लोक हितां दे खिलाफ लड़न दा रहा है, और मैं लोक हितां दे हक विच लड़न दा रहा है और जुल्म दे खिलाफ लड़न दा रहा है, तो मैनूं लगता है कि मैं अज इस वेले भी ये इनाम मोड़ के
कोई बहुत वड्डा कार्य नहीं किया, एक संबोलिक विरोध दर्ज करवाया। इस दे अर्थ ता ही बन सकते वड्डे जे ए जुड़ के लेखक कलाकार तो इकट्ठे हो ही, आम लोग भी जड़े ने वह एक मुहिम बना के इस धार्मिक आतंक के खिलाफ और बोलन ते लिखण की आज़ादी का गला घुटन के खिलाफ लामबंद होकर जो संघर्ष नहीं करते तो फिर ये जो साहित्य अकैडमी के नाम वापस करने वाली गल है, ये एवं मुताबी की एक सिलाई जी वो जाके तो बुझ जाने वाली गल होगी। जिते गल डेमोक्रेसी की सैकुलरिज्म की ज फ्रीडम ऑफ स्पीच ज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन की जाए, जदों भी किसी देश के बच्चे कोई प्रॉब्लम आई आ तो लेखकों की जी कलम आ उसने अपना एक रोल बहुत वधिया अदा किया। कि सिंधु साहब तुहानूं लगता कि किसी ना किसी तरीके से उस कलम के थ्रू उसनों रोक के जेडे बुद्धिजीवियों के विचार ने उन्होंने भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, मैं सच गल तुहाडे इसे प्रसंग में ही गल की है कि लिखण ते बोलण की आज़ादी जी आ गला कुटिया जा रहा है। जे तुसी अपने मन की गल कह नहीं सकते, जे तुसी जो जुल्म हो रहा है धक्का हो रहा आम लोगों के खिलाफ उहदे खिलाफ रजिस्टर नहीं करते तुहाडी लिखण का फायदा की है, तुहाडी कलम का फायदा की है। साडे ते बाबे ने कहा सीगा सच सुनाए सी सच की बेला, तो लेखक का धर्म ही है कि जदों सच बोलण की लोड़ होवे, जे लेखक उस वेले सच बोलता नहीं तो वह लेखक है ही नहीं गा। तो असी तो बाबे नानक के पुत पोतरे हाँ, सानू उन्होंने सीध दिती सी। और मैं जिवें कहा कि मैं अपनी सारी जिंदगी संघर्ष किया है अपने लिखण ते बोलण की आज़ादी के वास्ते भी और अपने लोगों के हकों के हितों के वास्ते भी, और वास्ते कीमत भी चुकाई अपनी जिंदगी दे विच और हुण भी अपनी जिहड़ी इहदे कीमत चुकाउण वास्ते तैयार हाँ। और जिवें मैं कहा कि इहनू मैं कोई वड्डी अपनी प्राप्ति नहीं मनता कि मैं इनाम मोड़ के बहुत वड्डा कोई मारका मारिया, मैं कहा एक संबोलिक विरोध जिहड़ा दर्ज किया, पर इह तों वध अगे जथेबंधक विरोध नहीं जिन्ना चिर तक बनता उन्ना चिर तक इन्हां गल्लां दा कोई शायद बहुता महत्व ना होवे। पर हुण मैनूं इह लगदा कि जिवें लगातार साहित्य अकैडमी इनाम जेतू जिहड़े ने इनाम वापस कर रहे ने, तो जिवें फैज़ ने कहा सी कि जो बात चल निकली है वो बात कहाँ ठहरी है, बूए गुल ठहरी ना बुलबुल की जुबान ठहरी है। और मैं लगता है कि जिहड़ी जुबान दी गल है जिहड़ी खुशबू है बोलण दी ये शायद अगे वधे और काफिला बन जाए। जे गल दूजी किसी कुछ टीवी चैनल ने इंडिया तो वह जिसते जो विरोध में गल कर रहे हैं उन्होंने इल्जाम लाए ने कि जी साहित्य अकैदमी आ भी काफ़ी पोलिटिसाइज जी इंस्टीट्यूशन आ उस कांग्रेस दिया सरकार का काफ़ी दबा रहा, कित ना कि वह कह रहे हैं कि मोदी सरकार को जान बुझ के बदनाम करने की कोशिश की जा रही आ, उस बारे की कहना चाहोगे? नहीं, मेरी पहली बेनती तो मेरी है कि साहित्य अकैडमी जी है ना बजाते खुद कोई राजनीतिक अदारा नहीं हैगा। ये पंडित जवाहर लाल नेहरू ने शुरू की सी कि वो मन दे विच सी कि लेखक जिहड़े ने उन्होंने अपने आप नूं विचारां नूं प्रगटाउण वास्ते उन्हां दी प्रमोशन वास्ते कोई इहो जिहा अदारा होना चाहिए जिहदा जिहनूं चलाउण वाले भी खुद लेखक होण और उहदे विच देश दीआं वख-वख जबानां जिहड़ियां ने उहदे चों चंगे साहित जिहड़े आ उह चंगा साहित चुणिया जाए, उन्हां पुस्तकां नूं इनाम दित्ते जाण और उन्हों ट्रांसलेट करके एक दूजियां जबानां विच छपवाया जाए। और उन्हें इसे करके ये चाहिया सीगा कि इस तरह की संस्था विच राजसी दखलअंदाजी नहीं होवेगी। सरकार पैसे तो देंदी है, ग्रांट दिंदी है अकैडमी नूं, पर उन्हों लेखक ही चलाउंदे ने, लेखक ही उहदे जिम्मेवार ने। और इस करके लेखकों नूं गिला सी कि जिहड़े उहदे कार्यकर्ता ने साडे भी लेखक ही ने साहित्य अकैडमी दे, ते उह भी जे नहीं बोलदे तां इह बहुत माड़ी गल हैगी आ। तो इस एक तरीके दे नाल आपां इह जरूर कह सकदे हां कि जिहड़े अधिकारी हुंदे ने साडे जिहड़े चुणे उह भावें लेखकां नहीं चुणे हुंदे आ, प्रधान वी ते सकत्तर वी साहित्य अकैडमी दे, पर क्योंकि उहनां नूं ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री जिहड़ी आ उहदे वल्लों ग्रांट मिलदी आ, ते शायद उहनां मन विच तुहानूं पता है बंदे ही हुंदे ने अक्सर, तो उहनां दी सॉफ्ट कॉर्नर हुंदी है कि असीं अपना रिश्ता चंगा खुशगवार बना के रखीए। तो जिवें साहित्य अकैडमी दे प्रधान ने बयान दिता सी पिछले दिनों दे विच, उहने कहा सीगा कि मैं उहनां चिर तक कोई राजसी बयान नहीं दे सकदा जिन्ना चिर तक मैं सारी जिहड़ी साहित्य अकैडमी दी जनरल बॉडी आ उहदी मीटिंग करके ते उहनां दे कोलों फैसला ना लवां। तो इस प्रसंग विच इह किसे मोदी नूं निंदण वाली गल नहीं हैगी, ये तो लेखकों का
अपने ही लेखकों के प्रति पहली गल तो विरोध सीगा कि साहित्य अकैडमी जिहड़ी उन्हें बोलना चाहिए सी, पर यह विरोध जिहड़ा है इत्थों अगे जाके फैल जाता व्यापक पद्धर उत्ते कि मोदी हुणी जिहड़े ने उह हुण कुछ घट नहीं कर रहे, वो जिवें जिवें यह हिंसक भीड़ां यह हिंदुत्व के नाँ के उत्ते भारत में छा रही ने और किसी दूजे धर्म को जिहड़ा है वह बर्दाश्त ही नहीं करना चाहुंदियां, तो इस प्रसंग के विच साडे ते गुरुआं ने कहा सी आप जनेऊ नहीं पाउंदे पर जनेऊ की राखी वास्ते शीश दित्ता उन्होंने, तो मैं फिर बेनती मुड़ करना चाहना है कि मेरा जो निजी विचार है ना, मैं जो भाजपा का ज आर एस एस का हिंदुत्व का एजेंडा हैगा आ हिंदू हिंदी हिंदू हिंदी हिंदुस्तान का मैं वो भी खिलाफ हैगा, पर नाल मैं समझदा कि जिवें मैं पहला क्या कोई भी पार्टी दुध धोती नहीं ना कांग्रेस दुध धोती है, और मैं कह रहा कि साडे पंजाब दे विच भी धर्म के नाँ के उत्ते जो आतंक पिछले समय के भी फैलिया सी हुण भी जिहड़ा है वह लिखण ते बोलण दी आजादी उत्थे भी कोई नहीं गी दित्ती जा रही, जिन्हों जी करता अगले फट के लम्मे पा लेंदे आ कुटन लग पेंदे आ और कहिंदे कि इह सिखी की बेइज्जती कर रहा और इह धर्म दी इहनूं धर्म नूं ठीक तरीके नाल प्रमोट नहीं कर रहा, धर्म दे विच विगाड़ पैदा कर रहा, तो धर्म जिहड़ा है इहदा निर्णा किसी दूजे ने धक्के नाल जे करवाउणा है तो मैं उहदे खिलाफ हैगा। पिछे जे कुछ दिनों के पिछे ये न्यूज़ भी आ रही सी जे इंडिया की जी इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म जी फिल्मों के बनाने वाली मुंबई के बच्चे उत्थे चेयरमैन बनाया गया सी आई बी डिपार्टमेंट वालों, उसका उत्थे दे जिहड़े विद्यार्थी ने उसका काफ़ी विरोध कर रहे हैं कि चेयरमैन साढ़े ते थोपे जा रहे हैं, ये चेयरमैन साड़ी इंस्टीट्यूशन नू कोई सही दिशा नहीं दे सकते, पर जी सानू देखण नू इत्थे स्थिति मिली सी कि गौरमेंट अजिहियां अकादमियां नू काफ़ी कंट्रोल दे विच रखना चाहुंदी आ, की साहित्य अकादमी प्रति भी पिछली सरकार ज होने वाली सरकार की यही दिशा रही आ कि लेखकों के उत्ते कदे ना कदे साहित्यकारां दे उत्ते कदे ना कदे गवर्नमेंट का कंट्रोल रखा जाए। नहीं, मैं जिवें तुहानूं बेनती कीती जिवें देखो जे कुछ पुरस्कार हैगे ने जिवें पद्म श्री आ पद्म भूषण वगैरह ये सरकारां इनाम देंदियां ने खुद लेखकां नूं उबलाइज करदियां ने समझो एक तरीके दे नाल, ते उह लेखकां नूं अपने नाल जोड़न की गल हो सकती है, वह सरकारी इनाम ने, साहित्य अकैडमी के इनाम सरकारी इनाम नहीं हैगे और ना ही साहित्य अकैडमी के जिहड़ी जनरल बॉडी हैगी आ उह कोई सरकारी प्रतिनिधि दे विच हुंदे ने, सारे लेखक हुंदे ने, पर जिवें मैं बेनती कीती आ कि जिहड़े उपर लोग बैठे होंगे ने प्रधान ते सकत्तर वो भी इलैक्ट होंगे ने चुनते हैं लेखक ही उन्होंने जो जनरल बॉडी उन्होंने चुनती है बदलती भी रही उन्होंने, पर वो उपर जो बैठे हुए लोग ने उन्होंने मन के लालसा जरूर कितने ना कि शायद पई होंगी है कि वह उस वेले की जी स्थापित सरकार है वो अपनी रिश्तगी चंगी बना के रखन, तो उस रिश्तगी के असर हेठा शायद उन्हों उत्ते दबाव भी हों हो, पर अजिही कोई गल नहीं गी कि उन्होंने उत्ते धक्के दे नाल कोई गल जिहड़ी आ उह सरकार उन्हां दे कोल मनाउण दी कोशिश करदी होवे, इह तों इलावा बाकी जिहड़ियां संस्थावां जिवें तुसीं कहा है ना उन्हां संस्थावां दे विच वाकई सरकार उचेचे तौर उत्ते उन्हां दे चेयरमैन उन्हां दे आगू जिहड़े ने उह अपने खास तौर पर एक निश्चित एजेंडे नूं मुख रख के उन्हां नूं नियुक्त करदी पई आ, और जदों इस तरह यह सारा काम होवेगा उन्हां दी इच्छा दे मुताबक अदारियां दे जिहड़े प्रधान बणनगे सकत्तर बणनगे ते वो जरूर उन्हां दी इच्छा दे मुताबक ही काम करनगे और वो सरकार दीयां मानतावां और सरकार दे जिहड़े उद्देश ने उन्हां नूं सिरे चाढ़न दे वास्ते जिहड़ा वो अपना हर हीला वरतणगे और उन्हां संस्थावां नूं कंट्रोल करन दी कोशिश भी करनगे, और ये बहुत वड्डी खतरनाक गल हैगी। जे गल कीती जावे साहित्य अकादमी दे अवार्ड्स वल्लों अज तक अप्रोक्सीमेटली किन्ने कु अवार्ड दिते गए ने, किन्ने कु वापस कर दिते ने, जिन्ने कु वापस कर दिते गए ने, की इस दा असर जिहड़ी अजकल दी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ते पिया होया कोई पऊगा जां नहीं? जितों तक ये इनाम शुरू होए ने ये 1955 विच ये इनाम शुरू होए सीगे, ते 1955 चों लैके ते हुण तक एक दो साल पंजाबी च ये इनाम नहीं सी मिले उन्हां नूं, उस साल कोई किताब शायद बेहतर नहीं लगी, तो लगभग 51 जां 52 इनाम ने साहित्य अकैडमी दे जिहड़े हुण तक पंजाबी जबान नूं मिल चुके, इस तरह बाकियां जबानां दे विच ये हैगा, तो जे असीं
पंजाबी वालों की गल करांगे तो पंजाबी वाले घट्टो घट हुण 8 लोग जिहड़े ने उन्होंने शायद मेरे ख्याल 8 हो गई है गिणती, तो उन्होंने ये साहित्य अकैडमी इनाम जिहड़ा वह वापस किया है, तो बाकी जबाना के लोग भी कर रहे हैं, तो लगभग 16-17 लेखक जिहड़े ने साहित्य अकैडमी इनाम जेतू उन्होंने अपने इनाम वापस किए ने। अज की खबर ही सी कि साडी प्रसिद्ध लेखक दलीप कौर टवाणा ने अपना पद्मश्री का जिहड़ा खिताब से वह भी वापस कर दिता, और मैं समझना कि ये ज़्यादा बेहतर गल है क्योंकि पद्मश्री का खिताब वापस करने का मतलब यह है कि डायरैक्ट सरकार को कहना कि आ ले अपनी माला चुक साढ़े तो तेरी भगती नहीं गई होंगी, क्योंकि इनाम सरकार ने दिते पद्मश्री वगैरह के जी साहित्य अकैडमी है ये राही तो एक टेढ़ा संदेश है, सरकार कह सकती है कि साड़ी कोई दखलअंदाजी नहीं, ये तो साहित्य अकैडमी अपने तौर पर जो आगुआ ने नहीं मता पास किया शोक का तो इन्हों की जिम्मेवारी साड़ी कोई नहीं, तो इस तरीके मैं समझना कि जे इनू व्यापक पद्धर उत्ते तोरना है तो फिर जो पद्मश्री वर्गे खिताब ने वह भी लेखकों वापस मोड़ने पैणगे, पर सिर्फ मेरा मानना है कि इनाम वापस करने निरई कोई हल नहीं है मसले का, ये तो एक लहर को शुरू करने का एक बहाना जरूर हो सकते हैं, पर जिन्ना चिर तक मैं फिर उस गल ते जोर देना जिन्ना चिर तक लेखक ते कलाकार खुद बजाते खुद आप जथेबंद हो के एक संघर्ष नहीं गए विट दे इस धक्के के खिलाफ और नाल दे नाल आम लोग जिहड़े ने ओ नाल नहीं गए जुड़ते उन्हां चिर तक जिवें मैं कहा सी कि एक मताबी दी तीली बल के बुझ जाण वर्गा ये कार्ज होवेगा, पर लगता है कि मैनू जिवें गल तुरी है तो शायद अगे भी जे मीडिया इस तरह साथ दिंदा रहे तुहाडे वांग जिवें तुसीं सारे लोग देश विदेश विच दे रहे हो तो जिहड़ी हक ते सच दी आवाज़ है ये वधेरे फैल सके। जेकर इनाम वापस करन तों जिहड़ा संघर्ष चालू होया कि तुहानू लगता कि टुकड़े साहित्यकार दे नाल जुड़े हुए ने साहित्यकार लेखक ज कलाकार ने उन्होंने इस दे नाल इनकरेजमेंट मिलेगी जां अपनी कलमां थोड़ियां शार्प करके अज की अजोकी स्थिति के बारे लिखणगे उस नाल सरकार ते इनाम वापस करन दे नाल नाल इट लेखकां वल्लों अपनी कलम का प्रयोग करके भी दबाव पाया जाऊगा। देखो तूर साहब गल असल च है कि सारे लेखक भी इको तरह के नहीं गए होंगे, कुछ लेखक होंगे ने जिहड़े जिवें मैं कहा साडे हाँ कुछ कुछ कमर्शियल होंगे ने कुछ का काम ही इनाम सन्मान प्राप्त करना होंगे, कुछ इन शौकिया शुगल वजो लेंदे ने, बहुत घट लेखक होंगे ने जिहड़े जिम्मेवारी दे नाल लोक हितां दे वास्ते लिखते ने और नाल सच कहिंदे हाँ उहदी कीमत चुकाउण वास्ते भी तैयार रहिंदे ने, ये कीमत चुकाउणी बहुत तूर साहब औखी हैगी है और इस तरह के बंदे सदा ही विरले होंगे ने, यह बहुत घट होंगे ने, तो जदों कुछ लोग इस तरह के जो बाहर निकलते ने मैदान के दूजे लिए जरूर प्रेरणा का सोमा तो जरूर बनते हैं, पर यह तुहाडी अपनी जमीर और तुहाडा एक इतिहास जिहड़ा हुंदा जिंदगी का तुसीं सारी जिंदगी कीता की आ, जे तुसीं सारी जिंदगी कदी हक सच के वास्ते लड़े नहीं तो अज भेड़ चाल के तौर उत्ते भी कोई इनाम जिहड़ा भी अपना भी पहला इनाम लैके बल्ले बल्ले करवा ली हुण इनाम वापस करके बल्ले बल्ले करवा लीए, जे कोई इस तरह इस लालच दे विच भेड़ चाल विच भी इनाम वापस करदा ते उहदा भी कोई अर्थ नहीं, अर्थ उस बंदे दा है जिहदे नाल उहदी जिंदगी जुड़ी है उहदा संघर्ष जुड़िया है और जिहदे विच उहने अपनी जिंदगी दे इतिहास विच लगातार हक ते सच दे हक विच आवाज़ उठाई है, उह बंदे दी जिहड़ी है कही होई आवाज़ उहदा मोड़िया होया इनाम जिहड़ा उह प्रमाणिकता हासिल कर सकेगा। दूजिया वास्ते सदा ही टिप्पणियां होंदियां रहणगियां कि बस एवें तमाशबीनी की गल सीगी ते उह तमाशबीनी करके लोकां ने देख ली। इस संघर्ष दे विच आई थिंक इट ठीक समय ते इट ठीक चुनिया गया कदम आ, तुहाडे संघर्ष की असीं बहुत सलांघा करदे हां, अखीर दे विच साडे दर्शकां नूं जो कि पंजाबी विरसे दे नाल जुड़े हुए ने की मैसेज देना चाहोगे? मैं तूर साहब मैसेज देने की स्थिति से एड्डी कोई वड्डी शख्सियत है नहीं कि मेरा मैसेज तो यो ही है कि मैं खुद अपनी जिंदगी दे विच हक सच दे ले लिखिया आ और लोकां दे हितां दे ले लड़िया वा, कुरबानियां जिहड़ियां सधारण किस्म दियां वी देणियां पईआं ने, जेलां च भी गए इंटरोगेशन सेंटर भी भुगते ने और लिखत दी वजह दे करके भुगते ने, साडियां उस वेले तक भी इह कहा जांदा सीगा जदों एमरजेंसी च गए सी ते इह कहा गया सी कि वरियाम सिद्धू सरकार दे खिलाफ़ लिखदा इस करके इहनूं अरैसट कीता गया, तो मुढ़ तों ही असीं तां अपनी जिंदगी दे विच
जिन्ना भी छोटे तो छोटा साडा चारा होया वो करन दी कोशिश की है अपनी जबानबंदी के खिलाफ बोले हैं और कलम नू जिहड़ा वो हथियार वजो वरतन की कोशिश की सदा और मैं चाहुंदा है कि लेखक जिहड़े ने वो इस दौर दे विच जे इस एपीसोड तो यह प्रेरणा लैन कि सानू हक सच लई लिखण की लोड़ हैगी और अपनी कलमां नू तिखियां करन की लोड़ हैगी है तो जरूर इस साण उत्ते उन्हां नू इह अपनी कलम नू लाउण दा मौका मिल जाएगा। संधु साहब तुसी साडे प्रोग्राम दे विच शामिल होए काफ़ी चंगी जानकारी दित्ती तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तुहाडा भी तूर साहब बहुत बहुत धन्यवाद कि तुसी मैनूं अपने स्रोतिआं ते दर्शकां दे रूबरू कराया। बहुत बहुत मेहरबानी जी। थैंक यू जी।